आपके पास कोई ऐसी लड़की आई है जो आपको मेहंदी लगाते हुए आपको पसंद आई हो, या आपकी उस पर नज़र गई हो तो आप काश इसका नंबर मिल जाए या काश इससे बात हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर बात की उसे? है ना, अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं किसी को, उसके हाथ भी प्यारे हैं, लड़की भी प्यारी, वो भी बहुत कुछ कर लेते होते हैं। आप इनके वालिद हैं? मैं वालिद हूँ। कितना सारा स्टाफ बैठा हुआ है, इनका माइंड इतना ज़्यादा शार्प है कि मुझे इतना अंदाज़ा है, किसी अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर को भी बिठाऊंगा तो उसको भी मात दे देंगे। चांद मेहंदी हमारे ऊपर है, ये हमने मुन के नाम पर रखी, ये भी चांद मेहंदी है। हाँ, ये भी चांद मेहंदी। कोई ग्रहण भी है यहाँ पे? कोई चांद ग्रहण भी है? नहीं, चांद ग्रहण तो वो भाई ग्रहण मुझे कर ले, चांद वो कर ले भाई, छोटा कर ले, ग्रहण मुझे आप कर ले। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और मैं मौजूद हूं एक मेहंदी वाली शॉप पे। नाम हम बाद में आपको बता देंगे कि क्या नाम है। मेरे साथ मौजूद है रेहान जी, मेहंदी लगाते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेहंदी आपके कोई जो आबाओ अजदाद थे वो भी लगाते थे या आपने ही स्टार्ट किया मेहंदी लगाना? नहीं नहीं, आबाओ अजदाद में से कोई भी नहीं लगाता था, मेरे एक चाचू थे तो मैंने उनसे मेहंदी ट्रेनिंग सीखी है। तो इचरे में आपकी शॉप है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी लड़कियाँ भी रखी हुई हैं जो मेहंदी लगा रही हैं, तो उनको आप ट्रेनिंग भी देते हैं? जी, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, फिर उसके बाद अगर किसी का माइंड हो तो वो जॉब के लिए एग्री हो जाती हैं, वरना फिर अपने घर चले जाते हैं। सैलरी बेस्ड होती है या कमीशन देते हैं? सैलरी भी है, लेकिन ये है कि जब तक वो पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी फिर उसके बाद सैलरी स्टार्ट करते हैं। अच्छा रान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लोग आपको कुछ नहीं कहते कि ये क्या लड़कियों वाला काम शुरू कर दिया, मेहंदी तो लड़कियाँ लगाती हैं, तो आपको कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। पहले दौर की बातें हैं, आज से 20 साल 25 साल पहले की बातें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल अगर आप कहीं खाना भी खाना जाती हैं किसी होटल में या किसी में किसी भी जगह पे, किसी टेलर के आप कपड़े आपको अच्छे लगते हैं तो वो भी मेन टेलर या कोई शेफ़ है तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे उसका खाना पसंद है। जी, अब ये मेहंदी का भी यही सीन है कि इधर आती हैं लेडीज़ मेहंदी लगाने के लिए, इधर आपियाँ भी बैठी होती हैं, मेहंदी लगाने वाले भाई भी हैं, तो कस्टमर की कोशिश होती है कि हम भाइयों से मेहंदी लगवाएँ। इसमें कोई खास वजह? यही है कि उनको हर चीज़ मतलब लड़कों में ज़्यादा पसंद आती है। आप किसी पार्लर चली जाएं, वो मेकअप जो है वो लड़के ज़्यादा अच्छा करते हैं बनिस्बत लड़कियों के। कि औरत औरत की दुश्मन है, ये बात अब सच है कि औरत औरत का काम भी सही से नहीं करती? मैं आपको बताता हूँ, औरत जो है ना, मैं यही मेरा है मानना कि 100 में से 80% लड़कियाँ लड़कियों से जेलस होती हैं। ये है वाकई है, 100 में से 80% होती हैं वैसे। ये शायद बस ये है कि मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई ड्रेस ना ये पहन ले, ये शादी में अगर प्यारी लग रही है तो मुझसे ज़्यादा प्यारी नहीं लगनी चाहिए। हमारे पीछे भी मेरी बहनें ही बैठी हैं और मैं तो औरत के खिलाफ बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी औरत ही हूँ। जी, खिलाफ नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, खिलाफ क्यों किसी के बारे में करनी, बस ये है कि हर किसी का अपनी अपनी साइकी है। हम तो अगर हम काम कर रहे हैं ना, अपनी मेहंदी हम लगा रहे हैं तो हमारा माइंड होता है, फोकस होता है कि उसका डिज़ाइन ना ख़राब हो, हमारी नज़र भी उसके हाथ के ऊपर ही होती है, लोग चाहे जो जितनी मर्जी बातें कर लें। कहने का मकसद ये, अगर लाहौर में हम लोग बैठे ये काम कर रहे हैं इशरा बाज़ार में, तो इतनी देर से हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक नाम है, कस्टमर एतमाद करके लगवाता है। आपके पास कभी कोई ऐसी लड़की आई है जो इस तरह की हो? और देखिए, हमारे ना अपने माइंड से हमें पता चल जाता है कि लड़की जो है वो उसकी सोच में क्या है, माइंड में क्या है, कि हम जज कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास कोई ऐसी लड़की आई है जो आपको मेहंदी लगाते हुए आपको पसंद आई हो या आपकी उस पर नज़र गई हो तो आप काश इसका नंबर मिल जाए या काश इससे बात हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर बात की उसे? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले बोला है कि दुकानदार जो है वो सिर्फ यही चाहता है, अगर उसको कोई अगर पसंद आ भी रही है तो वो नज़र को संभाल के ही उसकी तरफ देखेगा। शायद भी लड़कियों में भी इतनी ज़्यादा होती है सेंस के वो लड़के को भांप जाती हैं, लड़कियों में भी इतनी ज़्यादा सेंस होती है कि वो लड़के को भांप जाती हैं, लेकिन ये है कि हम फील नहीं करवाते किसी को कि हमारा फील के हाथों इंसान मजबूर हो जाता है ना। अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं किसी को, उसके हाथ भी प्यारे हैं, लड़की भी प्यारी, वो भी बहुत कुछ कर लेते होते हैं। आप इनके वालिद हैं? मैं वालिद हूँ। क्या कहेंगे आप? चले बैठे, आप बात करते हैं आपसे भी। सर ने हमें पकड़ लिया, सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप तो गुस्से हो गए, मैं तो वैसे सवाल कर रही हूं। गुस्सा नहीं हो गया मैं, अगर गुस्सा हो जाता तो मैं दूर हो जाता, गुस्सा नहीं हो जाता। अपने बेटे पे पूरा भरोसा है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी 4 शॉपें हैं, ये 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं। अब हमने लहंगा और फ्री की मेहंदी कहाँ पे लगाते हैं? नहीं, फ्री की मेहंदी
जब कोई आ जाए आप जैसा तो फ्री में लगा दो हम लगा देते हैं, अगर कोई गरीब आ जाए फ्री में लगा दे हम लगा देते हैं। दुल्हन मेरे जैसा क्या मतलब, आपको लगता है कि मैं फ्री लगवाऊं? नहीं नहीं, बात पता कि आप नहीं, आप मैं एक शुगली कह रहा हूं कि शुगल अगर आप जैसा कि मेरे चाह रहे हैं कि भाई मुझे मेहंदी फ्री चाहिए मैं हम लगा देते हैं, कोई इशू नहीं। क्या है, मैं ईद पे आऊंगी फ्री लगवाने। अगर वो कह देते चल मेहंदी लगा दो, चांद मेहंदी हमारी ऊपर है, ये हमने मुनके नाम पर रखी, ये भी चांद मेहंदी है। हाँ, ये भी चांद मेहंदी। कोई ग्रहण भी है यहाँ पे? कोई चांद ग्रहण भी है? नहीं, चांद ग्रहण तो वो भाई ग्रहण मुझे कर ले, चांद वो कर ले भाई, छोटा कर ले, ग्रहण मुझे आप कर ले। दोबारा मैं अपने सवाल पे आती हूँ, आपके अबू से बात होगी, उन्होंने वैसे मुझे क्लियर बता दिया कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आती भी है तो उससे आपके तो होने से नहीं, क्योंकि आप लोग फैमिली में करते हैं, तो आप क्या करोगे? क्योंकि दिमाग तो एक ही लड़की पे बस जाएगा, तो फिर क्या करें? मैं सब्र इसके अलावा और मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है, नहीं पता चलता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन लगता है हुआ है इसलिए कह रहे हैं ठीक है, बस सब्र कर लेंगे और कुछ भी नहीं। कितनी दफ़ा सब्र किया? पहले तो खैर कभी नहीं सब्र किया। अच्छा, कोई लड़की पसंद नहीं है? अब इंसान की लाइफ में सब कुछ ही चलता रहता है, पसंद आती भी है। साकी की महफिल जा रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है मोस्टली। अच्छा, मेहंदी कितने किस्मों की होती है? अरेबियन मेहंदी सुननी है, कौन कौन सी होती है मुझे ज़रा बताएं। मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मुल्कों के नाम है, इंडियन है या अरेबिक है ना, जस्ट मुल्कों के नाम है और कुछ भी नहीं है। यही मेहंदी, अगर हम इसके फ्लावर मोटे करेंगे उसके अंदर शेडिंग देंगे तो वो अरेबिक है, शेडिंग नहीं देंगे ओनली स्क्रोलिंग करेंगे बारीकी में लेकर आएंगे लाइनिंग में तो वो इंडियन है। पाकिस्तानी कौन? पाकिस्तानी, ये सबसे अच्छा मुल्क जो है वो जो भी डिज़ाइनिंग ज़्यादातर, ये जितने कितना सारा स्टाफ बैठा हुआ है इनका माइंड इतना ज़्यादा शार्प है कि मुझे इतना अंदाज़ा है इन पे सब पे कि इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि इनमें से किसी के पास अगर मैं किसी अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर को भी बिठाऊंगा तो उसको भी मात दे देंगे। पाकिस्तान में वैसे काशीज की मेहंदी बहुत ट्रेंडिंग पे जाती है, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी देखते हैं शादियों पे, उनसे मेहंदी लगवाते हैं, तो वो वाली मेहंदी अगर लगवानी हो तो? काशी की इतनी डिमांड है, अल्लाह ने उसको नाम दिया है, तो नाम ये है कि चांद मेहंदी का भी बहुत ज़्यादा नाम है, लोगों को पसंद है चांद मेहंदी, शायद आपने कभी सुनी हो। जी नाज़रीन, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सर की मेहंदी अगर आपने देखनी है तो इनकी इचरा में शॉप है, और दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।